लैंड लॉ का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें अब तक के लेक्चर नंबर 30 समाप्त हो गया। बीच में कुछ ऐसा लेक्चर है जो इंटरकनेक्टेड है, उसका नंबर नहीं है, और कुछ का नंबर स्किप करके आगे में नंबर दिया हुआ है। इसलिए जो श्रोता लोग कोई विषय पर खोजना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके आगे पीछे करके अपने इच्छा अनुसार जो लेक्चर है उसको सुन सकते हैं। सूचना के लिए बता दें कि लेक्चर नंबर 27 से लेकर लेक्चर नंबर 30 तक जो सर्वे के समय प्रयुक्त होने वाले शब्द और जो कागजात तैयार होते थे उनके बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। और ये पुराना लेक्चर 19 से इसको जोड़ करके देखा जा सकता है। इस प्रकार बीटी एक्ट का ये धारावाहिक चल रहा था। शुरू में के लेक्चर में आपको मिलेगा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लैंड लॉ का इतिहास, वो 1 से लेकर के 7 लेक्चर तक लैंड लॉ का इतिहास है। तो जो श्रोता लोग इंटरेस्टेड हैं और उसको नहीं देख पाए हैं तो वो जो भूमि विधान विधि विधान है अभी हमारे राज्य में जो काम जिसमें हम लोग करते हैं काम कर रहे हैं और अधिकारी पदाधिकारी लोग उसके अनुसार अमल करते हैं या न्यायालय में उसके अनुसार से निर्णय होता है, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, माने वो कहाँ से कब कैसे उत्पन्न हुआ और उसमें क्या प्रावधान था, मोटे मोटे तौर पर उसके बारे में बताया गया है। जो जिज्ञासु हैं, जो इच्छुक हैं, जो जानना चाहते हैं तो जान लें। वो सब बातें आज के तारीख में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो जानकारी रखना चाहते हैं कि कोई कानून कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ, तो उनके लिए लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। बीच में उसके बाद का कई लेक्चर है जो DCLR महोदय ने प्रस्तुत किया था बकासता के संबंध में, बकास लैंड के बारे में, बकास लैंड के बारे में सरकार का क्या रुख है और सरकारी पदाधिकारी लोग CO DCLR एडिशनल कलेक्टर लोग ये समझते हैं कि बकास जमीन है तो सरकार का हो गया, उसके बारे में जो DCLR महोदय का प्रश्न था, तो कई लेक्चर उसी के संदर्भ में है जिसमें कि काफ़ी लोगों ने उसको देखा समझा और सराहा है। उसी में सरकार का जो निर्देशिका निकला है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मार्बल, वो भी बहुत से श्रोता लोग देखे हैं और बहुत से लोग प्रिंट आउट निकाल के रखे हुए हैं और बहुत लोग हमसे मिले हैं, बात भी की है, तो उन लोगों को भी वो मार्गदर्शिका के बारे में बताया गया। तो 1 से 7 के लेक्चर में उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से भूमि विवाद से संबंधित जो भी मामला है, बहुत सारा मामला का निराकरण इतने लेक्चर में हो जाएगा। यानी कि मुख्य रूप से जो भूमि से संबंधित कानून है बिहार काश्तकारी अधिनियम, उसका चैप्टर 10 तक ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद वाला चैप्टर का आज के तारीख में कोई महत्व नहीं, इसलिए उस पर कोई व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं। अब उसके बारे में अंत में ये समझिए कि बीटी एक्ट का और लैंड लॉ का जो बीटी एक्ट से संदर्भित है भूमि संबंधी विधान, उसका ये निष्कर्ष या निचोड़ या अंतिम कड़ी है, जो कुछ छूट गया है उसको इसमें हम कोशिश करते हैं और किसी किसी को फिर से दोबारा बता दें ताकि बीच बीच में लोग जो प्रश्न किए हैं उसका भी इसमें उत्तर समायोजित हो जाए। इसको ख्याल करके आज का ये लेक्चर रखा गया है। तो आज का ये लेक्चर लैंड लॉ के बीटी एक्ट के सीरीज का आखिरी लेक्चर लेक्चर नंबर 31 होगा। तो सबसे पहले ये बता दें, शुरू में ही बताए थे कि बीटी एक्ट पूरा नाम इसका था बंगाल टेनेंसी एक्ट, और बंगाल बिहार तो एक ही था पहले, एक ही प्रोविंस था। बाद में इसका नाम संशोधन के द्वारा बदला गया, ये बदला गया 1934 में संशोधन करके, तब इसका नाम हो गया बिहार टेनेंसी एक्ट, लेकिन साल रहा 1885 जब का ही बना हुआ। और
इसी एक्ट के तहत, बीटी एक्ट के तहत ही सर्वे का काम शुरू किया गया। तो काम कैसे होगा इसके लिए रूल बनाया गया, जो बीटी एक्ट के तहत ही रूल बनाया गया और बाद में टेक्निकल रूल्स बना। तो जो बीटी एक्ट के अंदर रूल बना, वो रूल जो है 1935 में बना, उसी के बारे में कुछ जानकारी आज आपको देंगे, ताकि अगर कोई उसके बारे में और विस्तृत जानना चाहें या खोजना चाहें तो उनको सुविधा हो सके। तो बीटी एक्ट में कैडेशनल सर्वे के बारे में भी प्रावधान है, और बाद में जहाँ रिविजनल सर्वे हुआ तो वही बीटी एक्ट के तहत ही हुआ। यानी बीटी एक्ट का मतलब हो गया बीटी एक्ट, और बीटी एक्ट के अंदर जो रूल बना रूल, और बंगाल सर्वे एक्ट का जो प्रावधान है वो, और जो टेक्निकल रूल्स बना, ये सब को मिला के सभी प्रावधानों के अनुसार, जिसके बारे में पहले चर्चा किया जा चुका है, उसके आधार पर कैडेशनल सर्वे भी हुआ और रिविजनल सर्वे भी हुआ। उसका कोई अलग से प्रोसीज्योर रिविजनल सर्वे में नहीं बनाया गया। तो सबसे पहले क्या होता था, जब सर्वे प्रारंभ हुआ, पहले के लेक्चर से भी पता चलेगा, लेकिन आज ये कंक्लूडिंग है, यहाँ पर कुछ मुख्य बातें बता दें कि कौन सा रूल किस बात के लिए इंगित करता है, जिसके तहत सर्वे के पदाधिकारी लोग काम करते थे। तो प्रोसीज्योर जो अपनाया गया कैडेशनल सर्वे में, उसी को रिविजनल सर्वे में अपनाया गया। तो उसके लिए जो रूल्स बना गया, वो रूल्स सबसे पहले वो पब्लिश हुआ था 1885 में कलकत्ता गजट में, चूंकि एक्ट बना बंगाल एक्ट, तो 85 में पब्लिश हुआ 21 दिसंबर 1885 को। बाद में फिर 1907 में उसमें कुछ सुधार भी हुआ था, वो सब भी कलकत्ता गजट में ही आया। और बाद में एक रूल 1935 में जब चौथी बंगाल हो गया तो कुछ और भी उसमें संशोधन किया गया। इस तरह से एक्ट में भी और रूल्स में भी संशोधन होते गया। तो जो प्रोसीज्योर बनाया गया, वो नियम बना गया, जो नियमावली बनाया गया, उसमें स्टेप बाय स्टेप है क्या क्या होगा। तो कैडेशनल सर्वे, जिसमें कि उद्देश्य था कि रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड सेटलमेंट ऑफ रेंट, माने अधिकारों का अभिलेख बनाया जाए और रेंट का सेटलमेंट कर दिया, लगान का। काहे पहले बता चुके थे कई तरह का भौली नगदी, इस तरह से दानाबंदी कई तरह का होता था, तो ये सब वजह से ही बनाया गया। तो सबसे पहला स्टेज है डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री। जिस गांव में प्रावधान हुआ तो उस गांव का बाउंड्री, चारों तरफ गांव के बाउंड्री निर्धारित किया जाएगा कि गांव का सीमा यहाँ तक है। तो उसको जहाँ जहाँ तक पाया जाएगा गांव का सीमा, तो उस सीमा का सीमांकन करने के लिए पिलर लोग गाड़ देते थे। तब उसके बाद दूसरा स्टेप हो गया, जब गांव का सीमांकन हो गया तो हुआ इस गांव में इसी सीमा के अंदर नापने की कार्रवाई करना है। क्या नापने की कार्रवाई करना है, जो खेत है या जो मकान बना हुआ है या बास्केट जी है या और आम जनता के उपयोग की जो भूमि है या जमींदार के उपयोग की जो भूमि है या जमींदार के कब्जे की, तो जितना भी उस गांव में भूमि और भूमि पर बने हुए चीज थे और भूमि का जो उपयोग होता था, सब के बारे में पहले नापना, नाप करके उसका नोट करना कि कौन सा लैंड जो है उसका रकबा कितना है। उसके बाद का स्टेप होता था खानापूरी। खानापूरी उसी नाप के आधार पर जब उसको लिखते थे, रजिस्टर पर लिखते थे, तो उसको प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड, माने प्रारंभिक खतियान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसी प्रक्रिया को खानापूरी बोलते थे। तो खानापूरी के बाद का स्टेट होता है अटेस्टेशन ऑफ रिकॉर्ड। तब उसको फिर मिलान करते थे और उसको वेरीफाई करते थे, तो अटेस्टेशन कहलाया। उसके बाद का जब अटेस्टेशन में कंप्लीट हो गया, उसके बाद का स्टेप होता था पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट खतियान। ड्राफ्ट खतियान को पब्लिश किया जाता था, यानी आम जनता को सूचित किया जाता था कि ऐसा ऐसा खतियान बन गया है, इसमें अगर किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दे सकते हैं।
तो जब पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट हो गया और किसी का आपत्ति आया जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है कि उसको तनाजा कहते थे, तो उसका डिस्पोजल करने के लिए माने उसका निराकरण सुनवाई हुआ, निराकरण करने के लिए जो कार्रवाई होती थी उसको नेक्स्ट स्टेप में देखा जाता था, जैसे डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 103A सेक्शन धारा 103A BT Act के अंतर्गत जो तनाजा होता था, जो ऑब्जेक्शन होता था उसका निराकरण करके निर्णय दिया जाता था। जब वो हो गया तब उसके बाद का स्टेज होता था किसी का नकदी करना है, भौली चला रहा है या कम बेस है या और एप्लीकेशन हुआ या कोई केस हुआ, किसी भी कारण से फेयर रेंट निर्धारित करने का प्रक्रिया अगर अपनाया गया या कोई इसी बीच में कोई भूमि का सेटलमेंट हो गया, नया सेटलमेंट आ गया या पहले सेटलमेंट हुआ उसका रेंट नहीं फिक्स हुआ, तो रेंट फिक्स करने का किसी भी परिस्थिति में वो सेटलमेंट ऑफिसर को पावर था, उसकी प्रक्रिया अपनाई जाती थी। और जब ये भी प्रक्रिया हो गया तो उसके बाद का स्टेप होता था जो सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट है यानी कि खतियान, वो फाइनली पब्लिश हो जाता था। तो फाइनली पब्लिश होने के लिए उस पर सेटलमेंट ऑफिसर का प्रमाण पत्र दस्तखत के साथ दिया जाता था मोहर के साथ, तो पब्लिश हो गया। जब पब्लिश हो गया तो जो जो रैयत जिसका खतियान था या मालिक का जो खतियान था, जो जो संबंधित व्यक्ति था उसका खतियान का बट किया जाता था, बांटा जाता था रैयतों को, संबंधित व्यक्तियों को, हितधारियों को खतियान की प्रतिलिपि दी जाती थी जिसको कि रैयती खतियान बोलते थे, माने रैयत को दी जाने वाली कॉपी। और दूसरा इसलिए भी रैयती खतियान बोलते थे कि रैयत का हक और अधिकार उसमें लिखा हुआ है, इसलिए रैयत खतियान हुआ। जमींदार का हक अधिकार जिसमें लिखा रहता था वो दूसरा कागज, जिसको कि खेवट आपको बता चुके हैं। उसके बाद का स्टेप होता था 105 में और 106 में, 105 में सेटलमेंट का अगर कोई फेयर रेंट का केस चला और केस का अंतिम निर्णय हुआ उसके बाद उसमें करने की आवश्यकता हुई तो उसका स्टेप आता था, या अगर बीटी एक्ट में फाइनली पब्लिश्ड हो गया खतियान 103B में और किसी को गृहांश हुआ तो रेवेन्यू ऑफिसर का कोर्ट होता था जिसको पावर दिया जाता था सुनवाई करने का सिविल कोर्ट के तरह से, तो टाइटी सूट के तरह वहाँ केस होता था और उसका फैसला जो होता था 106 के हिसाब से, 106 दफा के हिसाब से, उसके आधार पर अगर कोई सुधार करने का जरूरत हुआ या तो 105 के अनुसार, दफा 105 के अनुसार अगर रेंट में कुछ सुधार हुआ या दफा 106 के अनुसार निर्णय के अनुसार खतियान के एंट्री में कोई सुधार करना हुआ तो वो सब नेक्स्ट स्टेप में करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट होता था, यानी कि अंतिम सुधार होता था। इतना स्टेप लिया जाता था, अगर गिनती में कहें तो ABCDEFGHIJK तक का स्टेज आता है और ये सब स्टेप लेने के लिए वो रूल्स में ही सब लिखा हुआ है। और वो शुरू होता है रूल्स कहाँ से, रूल 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ये सब रूल्स बना हुआ है, हर स्टेप के लिए एक रूल बना हुआ है और अंतिम तक के, इससे और आगे जितना भी बताया उससे आगे तक का टोटल 90 तक रूल बना हुआ है। 90 के बाद भी और रूल है लेकिन वो दूसरे कार्यों के लिए। तो सर्वे की प्रक्रिया अपनाने के लिए रूल नंबर 45 से लेकर के रूल नंबर 90 तक कंप्लीट हो जाता है और इतना स्टेज के तक का जो स्टेज बताए जिसमें आ जाता है विलेज बाउंड्री, दूसरा आ गया विलेज मैप, पूरा विलेज बाउंड्री हो गया तो मैप बन गया, उसका खसरा, खसरा बनता है कब, खानापूरी के स्टेज में खसरा बना और जब खसरा बना तो उस खसरा का पर्चा रैयत को दिया जिसके बारे में पहले बता चुके थे, पर्चा मिलने के बाद जमींदार का जो बना वो खेवट बना और खेवट के बनने के बाद खतियान बना और खतियान बनने के बाद तेरीज बना। इस प्रकार से पूरा प्रक्रिया समाप्त हो जाता था और इसमें सहारा लिया जाता था खास करके खेवट बनाने के लिए। तो कलेक्टर के यहाँ एक रजिस्टर होता था
लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो रजिस्टर से सहारा लेके वहाँ पर जमींदार का एंट्री रहता था, उसका कितना हक था, किस मौजा में कितना आमदनी था और उसका तौजी नंबर क्या था, उसको क्या नंबर अलाउट किया हुआ था, उसको देख करके ये सब एंट्री खेवट में किया जाता था। यानी कि लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो डॉक्यूमेंट रहता था कलेक्टर के पास, उसको कलेक्टर्स का लैंडलॉर्ड्स रेंट रोल भी कहते थे, उसको मिला करके तब एंट्री खेवट में किया जाता था। तो ये तो हो गया कुछ प्रमुख बातें जो सर्वे के समय ये स्टेप बाय स्टेप किया जाता था। और जब समाप्त हो जाता था सर्वे की प्रक्रिया, तब लास्ट में वो विलेज नोट बनता था, जिस विलेज नोट में, जिसके बारे में भी बता चुके हैं, फर्द रिवाज कहा जाता था, वो विलेज नोट बनाने के लिए जो वहाँ का रीति रिवाज कस्टम था, वहाँ की जो स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति, वो सब के बारे में वो विलेज नोट में लिखा जाता था। ये तब सर्वे की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती थी। इस प्रकार से सर्वे की प्रक्रिया के बारे में सरलता पूर्वक आप लोग को बता दिया गया। अब इसके बावजूद भी बहुत तरह का लोग प्रश्न करते हैं, तो हमारे समझ से अब तक के जितनी बातें बताई गई है उसके हिसाब से सर्वे से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में किसी न किसी व्याख्यान में चर्चा है। फिर भी कुछ प्रश्न जो मेरे जेहन में है, ये लोग पूछते हैं कि अगर कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया और कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान है तो उसका वैल्यू है कि नहीं जब रिविजनल सर्वे हो गया तब, या रिविजनल सर्वे के बाद चकबंदी खतियान बन गया तो किसका वैल्यू होगा या नहीं होगा, या ऐसा प्रश्न करते हैं कि खतियान में कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में किसी व्यक्ति का नाम है और रिविजनल सर्वे खतियान किसी दूसरे व्यक्ति का नाम है तो किसका हक होगा। इस तरह का बहुत सा प्रश्न आता है। ये भी पहले के लेक्चर में बताया जा चुका है कि ये जो बीटी एक्ट का प्रावधान बताए, बंगाल सर्वे एक्ट का प्रावधान बताए, बीटी एक्ट के रूल्स का प्रावधान बताए, टेक्निकल रूल्स ऑफ सर्वे सेटलमेंट का प्रावधान बताए, इस सब के अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एक्ट में भी सर्वे होता था। जैसे लैंड सीलिंग एक्ट में भी सर्वे का प्रोविजन बनाया गया जो 1961 में बना, जिसका पूरा नाम है बिहार लैंड रिफॉर्म्स फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्ट 1961। इसके अंतर्गत भी जब भूमि सरकार ले लेती है, सरप्लस डिक्लेयर कर लेती है, तो उसके बारे में भी उसमें भी विधान विधि विधान बनाया हुआ है। चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है तो चकबंदी एक्ट में बिहार कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1950 में बना, तो उसमें भी सर्वे का प्रावधान बनाया गया। उसकी प्रक्रिया है जो इससे मिलता जुलता है लेकिन कम्पैक्ट है। इसी तरह का प्रोसीजर जो बताया कैडेस्ट्रल सर्वे रिविजन सर्वे का, उसमें मिलता जुलता है उसमें है। उसके अलावे संथाल परगना में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत सर्वे का प्रावधान बनाया गया, छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत सर्वे का प्रावधान बनाया गया, जहाँ पर म्यूनिसिपल एरिया या नोटिफाइड एरिया कमिटी थी तो बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 1920 के अंतर्गत प्रावधान बनाया गया म्यूनिसिपल सर्वे का, उसके लिए अलग पदाधिकारी नियुक्त किए गए और उसका जो नंबर हुआ उसको म्यूनिसिपल सर्वे प्लॉट कहते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे के समय जो प्लॉट हुआ उसको बोलचाल की भाषा में कैडेस्ट्रल सर्वे प्लॉट कहते हैं। रिविजनल सर्वे में जो प्लॉट बना उसको आरएस प्लॉट, रिविजनल सर्वे प्लॉट कहते हैं बोलचाल की भाषा में। उसी तरह से चकबंदी के दौरान जो सर्वे हुआ और खतियान बना, उस खतियान को सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं। वहाँ खतियान शब्द का उपयोग नहीं किया गया, अंग्रेजी में सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफर, हिंदी में हस्तांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं, यानी कि एक तरह से टाइटल का कागज होता है, जबकि और सब खतियान टाइटल का कागज नहीं होता है, वो हित का, अधिकार का और कब्जा से संबंधित कागज होता है। लेकिन चकबंदी में बना हुआ जो खतियान है वो टाइटल का कागज होता है, क्योंकि चकबंदी में कई व्यक्तियों का प्लॉट मिल करके एक किसी व्यक्ति को मिल जाता है, तो वो अगर डॉक्यूमेंट का टाइटल नहीं होगा
तो भूमि पर उसका टाइटल नहीं होगा, इसलिए उसके प्रावधान ऐसा बनाया गया कानून का कि वो टाइटल उसको माना जाएगा और उसी के आधार पर कोर्ट में मुकदमा अगर होगा तो उसका टाइटल डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जान गए कि कई अलग अलग विधान हैं जो भूमि से के सर्वे से संबंधित है और सबका अपना अपना अलग महत्व है। अगर विवाद होगा तो ये ज़्यादा लोग जानने के इच्छुक रहते हैं, अगर विवाद होगा तो क्या होगा, कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो देखिए इसके बारे में समझने से पहले ये जान लीजिए कि जो भी खतियान बना, जिस कानून में बना, उस सारी प्रक्रिया को अपनाने के बाद बना, इसलिए उसको कानूनी मान्यता है कि वो सही बना। तो जैसे ही कोई खतियान आता है तो उसके साथ ही कानूनी मान्यता है कि इस खतियान सही बना हुआ। तब जो व्यक्ति कहता है कि खतियान गलत है या इसके कुछ एंट्री जो है इसमें जो कुछ अंक अंकित किए गए हैं नाम में या रकवा में या प्लॉट नंबर जो भी है या अभियुक्ति में वो गलत है, इसके जयपद ही सही होना चाहिए वो होना चाहिए, तो ये सब ऑब्जेक्शन का समय निर्धारित है जब चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी और चकबंदी तुरंत पब्लिश हुआ था फाइनल खतियान, या जब रेवेन्यू सर्वे चल रहा था यानी कि सीएस या आरएस सर्वे चल रहा था, उस समय दफा 106 बीटी एक्ट के अंदर केस करके सुधार कराने का प्रावधान था। लेकिन आज भी विवाद लोग 10 साल 20 साल 50 साल के बाद लोग खड़ा कर रहे हैं और उसके बारे में लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए इसके संबंध में हम कुछ स्पष्टीकरण कर देना चाहते हैं। पहला स्पष्टीकरण ये है कि बार बार सर्वे क्यों किया जाता है। तो समय के अनुसार सर्वे करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि व्यक्ति विशेष जिसके नाम से खतियान बना उसकी स्थिति और उस भूमि की स्थिति और परिस्थिति बदलते रहती है। जैसे कि समझ के लीजिए कि एक राम नाम का व्यक्ति था, उसके पास 10 एकड़ जमीन था, वो 1910 में कैडस्टल सर्वे हुआ, बाद में उस राम को 4 लड़के हो गए, चारों के बीच में बंटवारा हो गया तो अढ़ाई अढ़ाई एकड़ हो गया, फिर उन लड़कों के बीच में से कोई एक लड़का उस जमीन को बेच दिया किसी अन्य व्यक्ति को, तो स्थिति बदल गई। तो जब आरएस माने रिविजनल सर्वे शुरू हुआ तो वो उस समय जमीन की स्थिति देखेगा ये समझने के लिए कि इस परिवार में कैसे ही जमीन आया, इनका मौरूसी था, खरीदारी था, तो खतियान में था, तो खतियान में किसका नाम था, तो वो सीएस खतियान देखने के लिए और दिखाने के लिए और समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और किया जाता था। तो आज के तारीख में जब आरएस खतियान बनेगा तो 4 लड़का का अढ़ाई अढ़ाई एकड़ का खतियान बन गया और एक लड़का उसमें से अगर टोटल अढ़ाई एकड़ बेच दिया किसी को तो जो खरीदार है उसका नाम खतियान में बन जाएगा और जो बेच दिया उसका समाप्त हो जाएगा। अब वो व्यक्ति जिसका समाप्त हो गया आरएस में, अब वो कहे कि सीएस खतियान में मेरे बाप का था, इसमें मेरा हिस्सा होता है, तो वो मान्य होगा, ये सोचने की बात है। और इसी तरह का लोभ लालच में आकर लोग आज मुकदमा खड़ा कर रहे हैं या रेवेन्यू कोर्ट में दावा पेश कर रहे हैं और झगड़ा झंझट कर रहे हैं, जो कि अमान है। इसलिए कानून की मान्यता यह है कि अगर सीएस खतियान बना तो जिस समय खतियान बना उस समय जिस व्यक्ति का नाम उसमें दिया हुआ था और जो विवरण उसमें दिया हुआ था कानूनन उस वक्त वो सही था और वो सही माना जाएगा बाद के समय में भी जब तक कि उसको झुठलाया नहीं जा सके। तो अगर कोई दफा 106 में केस करके झुठलाया नहीं गया, उसका संशोधन नहीं हुआ, तो 50 वर्ष के बाद भी उस समय जो एंट्री दिया गया था वो 50 वर्ष के बाद भी माना जाएगा, वो सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। अब अगर आरएस खतियान में उसके विपरीत एंट्री हो गया है तो इस आधार पर उस खतियान को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। वो परिस्थिति देखना पड़ेगा कि इस आरएस खतियान में जो नाम चेंज हुआ, जो रकवा चेंज हुआ और प्लॉट संख्या भी बढ़ गया, मान लीजिए एक प्लॉट था 1 एकड़ का, उसमें एक ही एकड़ में 4 टुकड़ा हो गया, 4 आदमी को मिल गया, तो पहले तो एक प्लॉट नंबर 10 था मान लीजिए, तो 10 का 4 टुकड़ा हो गया तो 4 नंबर हो जाएगा। तो गांव में अगर इनिशियल सर्वे हुआ किसी गांव में शुरू में तो 1000 प्लॉट था, अब बंटवारा होकर वो 2000 हो गया तो नंबर भी बदल जाएगा प्लॉट का। तो इसीलिए कुछ समय के अंतराल पर सर्वे करने की आवश्यकता होती है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट हमेशा
अप टू डेट रहे, आपसी विवाद रैयतों के बीच में नहीं हो। तो रिविजनल सर्वे का खतियान विधिवत जब तैयार हुआ, उसी विधि से जैसे सीएस तैयार हुआ, तो इसका कानूनी मान्यता उसके ऊपर है, यानी कि प्रिवेल कर जाएगा। और सीएस खतियान सिर्फ इस बात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि उस समय की परिस्थिति क्या थी और वो कब तक उस सीएस खतियान का एंट्री सही माना जाएगा, जब तक कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि खरीद बिक्री नहीं हुआ, या कि मर गया तो उसके बाल बच्चा को, उसके वंशज को अधिकार पहुंचा सक्सेशन के आधार पर, तब वो परिस्थिति बदलती है। तो आरएस खतियान प्रिवेल कर गया। अब आरएस खतियान के बाद कहीं कहीं चकबंदी हुआ है, तो चकबंदी में आरएस खतियान बिल्कुल सही था जिसमें पब्लिश हुआ, और चकबंदी बनने तक भी उसकी मान्यता है जब तक कि वो किसी कानूनी प्रक्रिया से उसमें सुधार नहीं हुआ हो या उसको रद्द नहीं किया गया हो, तो चकबंदी पदाधिकारी उस आरएस खतियान को देखेंगे, उसके आधार पर फिर चकबंदी में एंट्री करेंगे। और आरएस खतियान और चकबंदी खतियान बनने के बीच में अगर परिस्थिति बदल गई, फिर विभाजन हो गया या खरीद बिक्री हो गया, इजारा पट्टा हो गया, और कुछ आदमी मर गया या गांव छोड़ करके भाग गया, कोई भी परिस्थिति हुई, या उसका जमीन जो था नदी में समा गया, विलुप्त हो गया, तो नए प्रक्रिया से जो नया सर्वे होगा उसमें उसी हिसाब से जो एंट्री होगा वही वैलिड होगा। यानी कि सीएस खतियान आरएस खतियान में आकर के मर्ज कर गया, समझिए एक तरह से, और आरएस खतियान जब चकबंदी खतियान बना तो उसमें मर्ज कर गया। वो अपने आप में सही है, वो गलत नहीं है, इसके आधार पर उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, उसके आधार पर अगर कोई नहीं मिलता है लिंक, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो ये दिखाया जा सकता है कि आरएस खतियान जो बना सो गलत बना, सीएस के हिसाब से कभी हमने कोई बेचा नहीं, हम उनके वारिस हैं, हमने कुछ इजारा पट्टा नहीं किया, हमारा नीलाम नहीं हुआ, आज तक मेरा कब्जा चला है, और सीएस एंट्री में हमारे दादा का नाम या पिता का नाम है, तो आज आरएस में मेरा होना चाहिए, गैर व्यक्ति का कैसे होगा। ऐसी स्थिति में वो ये दिखाने के लिए कि आरएस एंट्री गलत है, उसका इस्तेमाल न्यायालय में किया जा सकता है। उसी प्रकार आरएस एंट्री को भी चकबंदी के खतियान में अगर गड़बड़ी हो तो उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक का अस्तित्व दूसरे के आने पर समाप्त हो जाता है। यानी कि सीएस खतियान तब तक वैलिड है जब तक आरएस नहीं बना, आरएस तब तक वैलिड है जब तक कि चकबंदी खतियाने वाला, तो चकबंदी खतियान में जो प्लॉट बोलते हैं उसको चक बोलते हैं, चक या चक प्लॉट बोलते हैं, और चक खाता बोलते हैं। अब नया सर्वे जो हो रहा है कुछ बिहार के कुछ भाग में, जो डिजिटलाइज रूप से हो रहा है, जिसको स्पेशल सर्वे कहा जाता है, तो स्पेशल सर्वे के बारे में एक अलग से लेक्चर में विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि आज के तारीख में जितने श्रोता हैं जो इच्छुक हैं और सवाल पूछ रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, ताकि अभी आप लोग समय पर सजग रहें और रेवेन्यू पदाधिकारी, सर्वे पदाधिकारी, अमीन और कर्मचारी के द्वारा अगर सर्वे के प्रक्रिया के दौरान कोई गलती होती है या गलती जाने अनजाने की जाती है, तो उसकी आपत्ति आप समय पर कर सकें और उसका निराकरण हो सके। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जो आपको स्पेशल सर्वे के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो लैंड लॉ से संबंधित अलग और विधान है और मुख्य कानून है, उसके बारे में बारी बारी से प्रत्येक एक विधान के बारे में चर्चा करेंगे, एक लेक्चर में हो, दो लेक्चर में हो, जितना लेक्चर में हो, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। आप लोग बराबर अनुरोध कर रहे हैं कि लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इसलिए इसका भी ख्याल कर रहे हैं कि छोटा लेक्चर हो और बिंदुवार हो, और आगे के लेक्चर में आप हेडिंग भी इस तरह का पाएंगे कि आप हेडिंग के हिसाब से कोई सर्च करना चाहे तो आसानी से मिल जाएगा, पहले इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता था। तो आज के वीडियो में इतना ही है, जो सर्वे के संबंधित और बीटी एक्ट का ये आज अंतिम लेक्चर है इस लेक्चर सीरीज का। फिर आगे आपको स्पेशल सर्वे के बारे में अगला वीडियो में जो लेक्चर देंगे, वो लेक्चर आपको ज़्यादा सुनने और समझने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ अभी स्पेशल सर्वे का कार्य चल रहा है और बहुत सारे विवाद आ रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, तो उसका समाधान वो लेक्चर सुन करके आप लोग स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद।